अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसियों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में कांग्रेसी पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा, लेकिन इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। हैरानी इस बात की है कि जिन जिम्मेदारों पर नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी है उनके ही दफ्तर परिसर के बाहर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं और किसी ने कांग्रेसियों को रोकने तक की कोशिश नहीं की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर लॉकडाउन की वजह से 3 महीने का बिजली माफ करने, किसी मजबूर व्यक्ति का इस दौरान का लोन 3 महीने की किस्त माफ करने, किसानों की बाढ़ से नष्ट फसलों का मुआवजा दिए जाने, राशन वितरण प्रणाली में धांधलीबाजी पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गणों और वरिष्ठ नेताओं के साथ हम लोगों ने जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भिजवाया है और अपनी मांग की है। हमारी मांगें ये हैं कि लॉकडाउन अवधि की 4 महीने की अवधि की तमाम विद्यार्थियों की, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थियों, उनकी फीस माफ़ होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि किसानों के कॉमर्शल घरेलू जितने भी 4 महीने के बिल हैं लोगों के, किसी भी तरह के हों, वो माफ़ होने चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि किसी भी व्यक्ति ने लोन ले रखा है मजबूरी में, किसी भी मजबूरी में ले रखा है, उस व्यक्ति की 4 महीने की EMI माफ़ होनी चाहिए। और तीसरा, जो हमारे जनपद अमरोहा में बाढ़ से प्रभावित हुए किसान, उनकी फसलें नष्ट हुई हैं, उन्हें सरकार तत्काल मुआवजा दे। और पांचवी हमारी मांग ये है कि जो राशन वितरण प्रणाली में धांधलीबाजी हो रही है उसमें पारदर्शिता बरती जाए, लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। अगली हमारी मांग है कि जो लॉकडाउन के चलते तमाम न्यायालयों में काम प्रभावित हुआ है, उससे हमारे जो वकील लोग हैं उनको, उनकी आमदनी बिल्कुल नगण्य हो गई है। हमारे जो रोजगार बेरोजगार हमारे जो वकील हुए हैं उनको 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सरकार मानदेय दे। और जो स्कूलों में मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो अध्यापक है, कर्मचारी है, उनको 8,000 रुपये प्रति महीना मानदेय सहयोग राशि के रूप में देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है।